गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अभियान आईएएस एकेडमी और अभियान आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री से काफ़ी क्वेश्चंस यूपीएससी में या स्टेट पीसीएस में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और काफ़ी लोगों को टेंशन भी रहती है कि सर हिस्ट्री पढ़ें तो पढ़ें कैसे, क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है कि मतलब बहुत ब्रॉड सिलेबस है इसका, लेकिन लिखा हुआ है प्री के सिलेबस में। आप अगर आप देखते हो, चाहे स्टेट पीसीएस का सिलेबस में देखो या फिर यूपीएससी के सिलेबस में देखो, देखोगे तो लिखा होगा इंडियन हिस्ट्री एंड नेशनल मूवमेंट। ठीक है, भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, ये चीज़ आपको दिखेगा, लेकिन भारतीय इतिहास में पढ़ना क्या है, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है। आज के डेट में काफ़ी ज़्यादा टेंशन बच्चों को ये होती है कि सर हमें छोड़ना क्या है, हम क्या क्या पढ़े कम टाइम में। हमारा क्वेश्चन जो आते हैं, चाहे मॉडर्न हिस्ट्री का है, चाहे एंशियंट का है, चाहे मिडिवल का है, अगर प्री को देखें तो। ठीक है, कैसे उस चीज़ को हम टैकल करें। अगर मान लो सर हम नहीं पढ़ पाए, तो हमारी समझ ऐसी होनी चाहिए कि सर हम नहीं भी पढ़ पाए तो तुक्का लगा लें। ठीक है, क्योंकि काफ़ी जैसे स्टेट पीसीएस में आता है, चाहे यूपीएससी में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं कि हम अगर समझ हमारी डेवलप है। आज के डेट में लोग क्या करते हैं कि एनसीईआरटी उठा कर पढ़ने लगे। बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं जो एनसीईआरटी को प्रीफर करते हैं, ज़्यादातर तो लोग क्या करते हैं स्टैंडर्ड बुक ले लिया। ठीक है, मैं किसी की बुक का नाम नहीं लूंगा। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी जिसने पढ़ लिया, जिसने अपना बेसिक्स कवर कर लिया, ठीक है, एक सब बात याद रखना, मकान में ना, मकान का अगर नींव जो होता है ना, वो एनसीईआरटी है। ठीक है, यूपीएससी या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, वन डे छोड़ के ध्यान देना, वन डे छोड़ के। वन डे में क्या आता है, फैक्ट ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो वन डे छोड़ के यूपीएससी ले लो, चाहे स्टेट यूपी का स्टेट ले लो, ठीक है, चाहे बिहार लो, दिन पर यूपी का तो दिन पर दिन चेंज होता जा रहा है सिनेरियो, यूपीएससी को कॉपी करता जा रहा है। ठीक है, तो हमारे हिस्ट्री पढ़ने के लिए ना समझ डेवलप होनी चाहिए। ये नहीं कि उठाया एंशिएंट उठा लिया पढ़ते जा रहे हैं जी, आज ये कुछ ये पढ़े कल वो पढ़े, कभी नोट्स के पीछे भाग रहे हैं, कभी कुछ भाग रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चंस अगर आ रहे हैं दिमाग में तो हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नहीं पुट अप कर पा रहे हैं, नहीं हमको पता ही नहीं चल रहा है कि क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है। कुछ बच्चे गलती करते हैं कि अगर हम पढ़े रहे हैं एक टॉपिक पढ़ा, तुरंत सोचते हैं कि हम क्वेश्चंस करने लगे, ये गलती होती है। ठीक है, आप पहले पढ़ो, उसको समझो, देन क्वेश्चंस पे जाओ। ये नहीं कि आज पढ़ लिया जी, समझ समझ पाए नहीं, पढ़ लिया जोश जोश में कि अगर फलाने लड़का कर रहा है, सॉल्व कर रहा है क्वेश्चंस उसका, वो तो मैं भी क्यों नहीं सॉल्व करूँ, वो भी तैयारी कर रहा तो मैं भी तो तैयारी कर रहा हूँ। तो ये छोटी छोटी गलतियां आप लोगों को नहीं करना है। ठीक है, दूसरी चीज़ कि हमें हिस्ट्री को पढ़ना कैसे है, ठीक है, और छोड़ना कैसे है हिस्ट्री को या इतिहास को। इतिहास में हमें पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। ठीक है, प्री के लिए क्या पढ़ना है, मेंस के लिए क्या पढ़ना है, ये चीजें हमें जानना जरूरी होता है। दूसरी बात, अगर मेंस को देखें, ठीक है, तो जो भी क्वेश्चंस बन रहे हैं ना मेंस के, वो करेंट्स को जोड़ के, जो भी करेंट्स में जो भी सारी चीज़ें हो रही हैं उसको हिस्ट्री से रिलेट करके कुछ क्वेश्चंस पूछा जाता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ों को मेंस से क्वेश्चंस को टैकल कैसे करें, कैसे कैसे हम क्वेश्चन को, कि टाइमिंग नहीं मिलता। ठीक है, आपको 25 क्वेश्चंस करना होता है, टाइमिंग फिक्स होती है कि हमें इतने क्वेश्चंस, इतने टाइम में हमें 25 क्वेश्चंस करने ही करने हैं। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या अपनी रणनीति अपनानी चाहिए कि हम उस क्वेश्चन को देखें और तुरंत उसको उसका पॉइंट लिख डालें। ठीक है, और नंबर भी गेन कर पाए। ठीक है, अगर मेंस भी वो पॉइंट से देखें तो। ठीक है, दूसरी चीज कि पीटी में, ठीक है, अगर देखें हम, अगर हिस्ट्री में, ठीक है, देखो इंडियन हिस्ट्री और नेशनल मूवमेंट, ये हमारा पीटी का सिलेबस होता है। ठीक है, दूसरा होता है अगर मेंस का देखें तो मिडिल 1857 से, हमारा 1757 से और वर्ल्ड हिस्ट्री तक हमारा मेंस के सिलेबस में आता है। ठीक है, तो हमें इंडियन हिस्ट्री में देखो, इंडियन हिस्ट्री में तुम्हारा एंशियंट भी आ जाता है, एंशियंट हिस्ट्री भी आ जाता है, मिडिवल हिस्ट्री भी आ जाता है, मॉडर्न हिस्ट्री भी आ जाता है। ठीक है, और नेशनल मूवमेंट भी यहाँ पे आ जाता है। नेशनल मूवमेंट 1885 से स्टार्ट होकर 1947 तक चलता है, 18, और ये 18 बिफोर, और मॉडर्न हिस्ट्री बिफोर 1885 से बिफोर होता है। ठीक है, तो हमें देखना है कि क्वेश्चन सबसे ज़्यादा किस में से आते हैं। ठीक है, हमारी रणनीति होनी चाहिए कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जिस टॉपिक से आते हैं पहले हम उसको कवर करें, ये नहीं कि जिससे नहीं आता। अब मान के चलो किसी भी स्टेट एग्जाम में देखोगे तो टोटल इनका क्वेश्चन देखें अगर इनका, तो 15 से 20 क्वेश्चन आते ही आते हैं, लेकिन अगर 15-20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 10 क्वेश्चन इससे, मॉडर्न हिस्ट्री से और नेशनल मूवमेंट को मिला के 10 क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है,
दूसरा एंशियंट और मिडिवल। एंशियंट और मिडिवल एक ऐसा टॉपिक है ना कि बहुत मतलब क्वेश्चंस आता है, समझ में आता है, हम पढ़ते हैं लेकिन हम उसको टैकल नहीं कर पाते, ठीक है, क्योंकि हम रट्टा लट्टा में पढ़ रहे हैं, समझ नहीं डेवलप कर पा रहे हैं। मेन यहाँ कमी है समझ डेवलप करने की। हिस्ट्री का मतलब ये नहीं कि लिखा हुआ जी हम पढ़ लिए समझ आया नहीं। हिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है अगर समझ में आ गया तो इससे बड़ा आसकी कोई है ही नहीं, ठीक है। हिस्ट्री एक नशा है, लोग बोलते रहे हिस्ट्री याद नहीं, याद करने की जरूरत क्या भाई, याद करो ही मत। अगर एक बार समझ गए कि हाँ हिस्ट्री पढ़ना क्या है, कैसे कैसे उसमें चेंजेस हुए, क्या कारण हुआ तो ये चीज़ें हुई, क्या कारण हुआ तो भैया नेशनल मूवमेंट हुआ, क्या कारण हुआ तो 1857 की क्रांति हुई, ये तो ये छोटी छोटी चीज़ों को हमें जानना जरूरी है, ठीक है। अगर ये चीज़ हमें समझ में आ गई देन हम उसको कर डालेंगे। अब देखो एंशियंट हिस्ट्री अगर लेते हैं तो एंशियंट हिस्ट्री में हमें पढ़ना क्या है, कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, हमें सारे टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं, पढ़ो नॉलेज के लिए पढ़ो, लेकिन ज़्यादा फोकस किस पे करना है, जिस टॉपिक से क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। जैसे आज के डेट में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, बौद्ध हो गया, जैना हो गया, मौर्य हो गया, और आज के डेट में विजयनगर संप्रदाय एम्पायर हो गया, इससे क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो इसको हमें पढ़ना है, लेकिन इसको हमें समझ के पढ़ना है। बाकी हम ऐसे पढ़ लिए ठीक है, कोई जिसे कहानी पढ़ता है ना वैसे पढ़ लो, लेकिन कुछ टॉपिक्स को हमें समझ के साथ पढ़ना है, क्योंकि उससे क्वेश्चंस आते हैं और घुमा के क्वेश्चंस आते हैं। सीधा सीधा क्वेश्चंस अब यूपीएससी नहीं पूछता, या स्टेट पीसीएस में भी बहुत सारे जो स्टेट हैं वो तो कभी कभी फैक्ट पूछ देते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग अब क्या कर रहे हैं फैक्ट को अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान देना हो कि हमें फैक्ट के पीछे नहीं भागना है, हमें कॉन्सेप्ट के पीछे भागना है, कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि साइकिल दे दिया, साइकिल का कॉन्सेप्ट अगर हमें पता है कि हम चलाएंगे कैसे तो चलेगी, कैसे कितने स्पीड से चलाएंगे, कितना क्या करेंगे, तो हम उसको आसानी से चला सकते हैं। ये नहीं कि बस ले लिया चल रहे हैं जी, नहीं, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना हमारा एक मेन मोटो होगा। हमारे अभियान IAS एकेडमी का सबसे बड़ा मोटो ये है कि हम बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर कर, हमारा पहला होगा कॉन्सेप्ट क्लियर कराना। हम रट्टे वाली पढ़ाई नहीं करवाएंगे, हमें हम बच्चों को, हमारा काम है बच्चे को सेलेक्ट देना, हमें बनाना है IAS ना कि प्रोफेसर। हमारा मेन का मेन मोटो है कि हमें बच्चे को सेलेक्ट करना है, उसको IAS बनाना है, ठीक है। तो IAS बनने के लिए हमें एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच, एडमिनिस्ट्रेटिव तरह सोचना, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव IAS के पास क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, ठीक है, उसको तुरंत कॉन्सेप्ट अगर क्लियर, सारा चीज़ों पॉलिसी बना सकता है, सारा कोई डिसीजन ले सकता है, ठीक है। तो यहाँ भी हमारा मेन, हमारी कोचिंग का सबसे बड़ा मेन मोटो है कि हम अपने बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर करें। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक बच्चा क्वेश्चंस कर नहीं पाएगा, ठीक है, और क्वेश्चंस कर नहीं पाएगा तो फिर पढ़ना बेकार है या फिर हमारा पढ़ाना बेकार है। हमारा काम क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, बच्चे को पर्टिकुलर डे बाई डे कॉन्सेप्ट क्लियर करके हर वीकली टेस्ट देना कि हाँ बच्चे का क्या रिव्यू है, कहाँ गलती कर रहा है, ठीक है। बच्चों से पर्सनली इंटरेक्शन करना है कि हाँ बेटा कहाँ गलती कर रहे हो, तुम लिखने में कहाँ गलती कर रहे हो, क्या क्वेश्चन तुमको कैसे टेकल करना है, अगर नहीं आ रहा तुमको क्वेश्चन कैसे टेकल करना है, कैसे ऑप्शन को चूज करना है, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। दूसरा, धीरे धीरे हमें अगर मान के चलो कि मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना, चाहे मिडिवल हिस्ट्री पढ़ना है, ठीक है, मिडिवल हिस्ट्री में ज़्यादातर मेन मेन चीज़ों को पढ़ना, मुगल एम्पायर से क्वेश्चन होता है, मुगल एम्पायर के कॉन्सेप्ट को पढ़ो, ठीक है। हर चीज़ में दो चीज़ आते हैं, हिस्ट्री अगर पढ़ना है ना, हिस्ट्री को समझना है तो एक कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना, ठीक है, थिंक, प्लानिंग एंड वर्क। ये तीन वर्ड ना अपने लाइफ में याद कर ला डो, अगर ये तीन वर्ड पे तुम अगर अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू करते हो ना तो ये समझ के चलो कि तुम्हारे सिलेक्शन को तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। लड़का लोग क्या करता है, प्लानिंग करता है, प्लानिंग कैसे करता है, अच्छा फलाने ने तैयारी शुरू कर दिया जी हम भी तैयारी शुरू कर दीजिए, फलाने वो किताब पढ़ रहा है, फलाने वो कोचिंग जा रहा है, फलाने ये कर रहा है, हमारी जो प्लानिंग होती है कहीं होती ही नहीं। वर्क क्या होता है, आज हम पढ़े और कल छोड़ दिए, उस पर हमने प्रैक्टिस नहीं किया, हमने उस पर क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, ठीक है, तो क्या होगा। और थिंक तो हम कर ही नहीं, अपनी सोच हमारी क्या है ही नहीं। लेकिन अगर प्रिपरेशन करना है, हमारा मोटो ही होता है कि हम पहले बच्चों को थिंक करना सिखाते हैं कि सोचो कि अगर वहाँ तुम होते तो क्या क्या कंडीशंस होती, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि मेंस में डायरेक्टली आ जाए कि 1857 की क्रांति क्यों हुई या फिर नरंदल गरंदल अलग क्यों हुआ, ऐसे मेंस में क्वेश्चन तो आएगा नहीं। मेंस में क्वेश्चन क्या, आपके समझ पे, थिंक अगर डेवलप हो गया तो मेंस का क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हो। तो ये चीज़ें हमारा मेन मोटर है, अभियान IAS अकेडमी का मेन मोटर है, हम थिंक करते हैं, फिर बच्चों को प्लानिंग और फिर वर्क, ये तीन चीज को हम लोग पिलर बनाते हैं और उसका सिलेक्शन होना ही होना है, ठीक है। दूसरी चीज की सेलेक्टेड चीजें पढ़ना है, एंशियंट मिडिवल के जो कॉन्सेप्ट है, पॉलिटिकल, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव,
इकोनॉमिकल, कल्चरल, सोशल, अगर ये चीजें पता है ना, ये चेंजेस पता हो जाएगा ना, तुम सारे के सारे एंशियंट के क्वेश्चंस कर लोगे, मिडवल के क्वेश्चंस कर लोगे, मॉडर्न के क्वेश्चंस कर लोगे, नेशनल मूवमेंट के क्वेश्चंस कर लोगे, ठीक है? ये चीजें तुमको करना पड़ेगा, और आने वाले दिन में डे बाई डे आपको समझाया जाए कैसे कैसे क्या क्या स्टेप लेके हमें हिस्ट्री में कैसे कहाँ से शुरुआत करना है, और कैसे कैसे पढ़ना, और क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए, कैसे हम क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आप लोग का जो भी डाउट्स होगा वो सारे हम क्लियर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, और आप जुड़िए और शेयर करिए और लाइक करिए।